हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे कि इसकी वैकेंसीज को कहाँ कहाँ निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे जो नोटिफिकेशन आया है थेस्टी यूनिवर्सिटी से आया है, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो ये देखिए, ये है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो आपको जस्ट टाइप करना है यूट्यूब पे दीपा बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड, चाहे साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट या प्रोजेक्ट वैकेंसी जो भी निकलती हैं, उनके साथ साथ जो मैं MSc PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी जो भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा, अगर आप जो है किसी लाइक एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका CSI GRF हो, चाहे DBT GRF, चाहे SEMA GRF या GATE, या आप जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप MSc BSc इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे जो मेरा बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड और साथ ही साथ जो जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आप जो है रेगुलरली देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो है इन टाइप के वीडियोस को आप रेगुलरली विजिट कर सकें। तो चलिए हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है नोटिफिकेशन ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से रिलीज किया गया है। और यहाँ पे देखिए, जो है वैकेंसीज हैं वो आपका नेम जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, और जो वैकेंसी है वो आपका 2 है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंसेस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में। और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा। तो अगर आपका ये एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें मंथली एमोलूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा अगर आपके पास CSI UGC NET या GATE है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे 35,000 प्लस HRA मिलेगा। इसके अलावा जो है, अगर आप HRA नहीं, इसके अलावा अगर आपका नेट या गेट नहीं है तो आपके पास 28,000 प्लस HRA फॉर अदर्स वो डू नॉट फॉर अंडर 1 above, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे गेट या CSI UGC नेट नहीं है तो आपको यहाँ पे 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की 20 September है। और जो एप्लीकेशन को अगर लाइक स्क्रूटनाइज किया जाएगा और लाइक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आप पार्टिकुलर लाइक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू जो है वो बता दिया जाएगा कि आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया है। ऐसे देखिए, यहाँ पे दूसरा जो RA का पोजिशन निकला, RA1 का, यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, पोस्ट 1 है, और यहाँ पे जो PhD आपका लाइफ साइंस में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिजायरेबल है कि आपका जो है लाइक नॉलेज आपको होना चाहिए मैटरनल फेटल या प्लेसेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे आपको 47,000 पर मंथ प्लस आपको यहाँ पे HRA दिया जाएगा। तो यहाँ पे 47,000 प्लस आपका जो है HRA ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे टोटल एमोलूमेंट जो है आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 58,000 to 60,000 तक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप और देखें तो यहाँ पे देखिए, और जो RA2 3 और RA2 की पोजीशन निकली हो, तो यहाँ मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, 32 ईयर्स है। वैकेंसीज RA3 के लिए 1 है, RA2 के लिए 3 है। और यहाँ पे देखिए, सेम है, PhD आपका किसी भी लाइफ साइंस से होना चाहिए और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए आपका PhD डिग्री होना चाहिए, और इसके बाद आपका मिनिमम 2 ईयर्स आपका MSc के बाद या PG के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे RA3 के लिए आपको 54,000 प्लस HRA दिया जाएगा, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। इसकी भी लास्ट डेट 20 September। ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट RA या प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजिशन को देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो शॉर्ट टर्म पोजीशंस हैं, आपको मे बी 1 year or 2 year हो सकता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का दिया जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है लाइक क्राइटेरिया लाइक प्रेजेंट है, जैसे कि अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 ईयर्स, अगर आप OBC PWBD कैटेगरी से 13 ईयर्स, SC ST PWBD तो 15 ईयर्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रखने पड़ेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, तो आपको सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो का सॉफ्ट कॉपी, सिग्नेचर का फोटो सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मैंसन कर रखे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट है आप अच्छे से पढ़ें और इसके थ्रू जो है जब आप अप्लाई करें तो इस सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है जो है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के 236 रुपीज़ है, एससी एसटी वूमेन या पीडब्ल्यूबीडी के लिए 118 रुपीज़ जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अगर मान लो कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप जो है रिसर्च एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप यहाँ पे इन्होंने ईमेल एड्रेस मेंशन कर रखा है personal@thesti.res.in, तो आपको इस पर एक मेल भेजना है आपको जो भी अगर कोई भी यहाँ पे डाउट है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हमारा दूसरा नोटिफिकेशन जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द लाइफ साइंस डिवीजन गुवाहाटी, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट में जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट वैकेंसी निकाली है। तो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रो एक्टिव बायो मटेरियल फॉर पेरिफेरल नर्व रिजनरेशन, और यहाँ पे जो पोजिशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट है नंबर पोजिशन 1 है। यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन में आपका एमएससी होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस नैनो साइंस में 55% मार्क्स, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स, और जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर DOI रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज़ मिलेगा प्लस HRA, तो यहाँ पे 20,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है CV और आपका जो भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स आपको सेंड कर देना है, और यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे ईमेल के थ्रू जो है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप जो है नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर राजीव बोरा का जो है क्लैरिफिकेशन, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर राजीव बोरा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, तो यहाँ पे उनका मेल आईडी मेंशन कर रखा है, तो आप इस मेल आईडी पे जाके जो है अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप जो है उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको सच में रिसर्च में जो है इंटरेस्ट है आप, तो आप जो इनमें से चाहे आप जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं या आप जो है थिस्टी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में, आपको लगता है कि आप जो है रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो आप जो है इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं और जो है आप रिसर्च का जो है एक्सपोजर पा सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉप इंस्टीट्यूट अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सपोजर बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे आप जो है आगे सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है और आपका मन है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।